आज हम बनाएंगे एक कटोरी आटे से एकदम टेस्टी और हेल्दी बिस्किट। और ये रेसिपी बनाना बहुत आसान है, खाने में बहुत टेस्टी। और ये रेसिपी आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं कि हमने ये रेसिपी बनाया कैसे है। यहाँ पर मैंने ले लिया है थाली, इसमें हम ऐड कर देंगे गेहूँ के आटा। आप चाहे तो मैदा के यूज करके बिस्किट बना सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत हेल्दी बिस्किट बनाया है इसीलिए गेहूं का आटा लिया है। अब हम ऐड करेंगे इसमें सूजी, और मैंने आधा कटोरी सूजी ऐड किया है, एक कटोरी गेहूं का आटा, आधा कटोरी सूजी, और ये पतला वाला सूजी है। अब हम ऐड करेंगे इसमें कोकोनट पाउडर 2 चम्मच, ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। साथ ही में ऐड करेंगे 1 कटोरी चीनी, और चीनी अपने हिसाब से ऐड कीजिए, जितना आपको मीठा पसंद है उस हिसाब से। मैंने थोड़ा सा 1 कटोरी से कम लिया है। और अब हम ऐड कर देंगे इसमें रिफाइंड ऑयल, 4 चम्मच मैंने डाला है। 4 चम्मच से ना हम ज़्यादा डालेंगे ना कम डालेंगे, ये परफेक्ट है। अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और हाथों से मसलते हुए अच्छे से हम मिक्स करते हुए डो बनाएंगे। और देख सकते हैं ये पेड़ा बनने लगा है, इसका मतलब बहुत बढ़िया से ये मेन हो चुका है और मैंने रिफाइंड ऑयल बहुत परफेक्ट डाला है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए डो बनाएंगे, और एकदम से हम दूध नहीं डालेंगे, नहीं तो ये डो गीला हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। और यहाँ पर दूध बहुत कम लगेगा, देख सकते हैं ऐसे ही हाथों से मसलते हुए हम गोटा कर लेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा दूध और डाल देती हूँ, ज़्यादा दूध नहीं लगेगा। और हाथों से अच्छे से मसलते हुए यहाँ पर देखिए मैंने डो बना लिया है। और ये डो उस तरीके से बनाना है जिस तरीके से हम मट्टी के लिए डो लगाते हैं, ठीक उसी तरीके से हमें डो लगानी है। और यहाँ पर ये बिस्किट बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम चकले के ऊपर ट्रांसफ़र कर लेते हैं और 2 टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे। और आप अपने हिसाब से बिस्किट का शेप दे सकते हैं। और यहाँ पर हम बिस्किट का शेप देंगे, और एक लोई को हम रख लेते हैं और यहाँ पर गोल गोल बना लेंगे, और हाथों के तलवे से थोड़ा सा दबा देते हैं और बिलन हल्के हल्के हाथों से चलाएँगे। और पतला या मोटा अपने हिसाब से बनाइए, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने पतला मोटा ही रखा है, सॉरी, देख सकते हैं मैंने बेल लिया है। अब हम ग्लास से कट कर लेंगे। इस तरीके से कट करने से बिस्किट का शेप एक समान होता है, देखने में अच्छा लगता है। और यहाँ पर देखिए मैंने कट कर लिया है, और जो बाकी पार्ट है उसे हम निकाल लेते हैं और दूसरी लोई में हम मिक्स करके बिस्किट बनाएंगे। और जो बाकी लोई है ठीक उसी तरीके से हम कट करके बना लेंगे। देखिए कितना मैंने मोटा रखा है। यहाँ पर देखिए मैंने सारे बिस्किट कट कर लिया है बेल के। अब चलिए इन्हें हम फ्राई करते हैं। अब चलिए बिस्किट को हम फ्राई कर लेते हैं। उसके लिए मैंने कढ़ाई रख दिया है गैस पे, ऑयल डाल दिया था पहले से ही, गर्म हो गया है। और जितना पीसेस आ जाएगा कढ़ाई के अंदर उतना हम डाल देंगे। और इस बात को हम बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे कि ज़्यादा गर्म ऑयल ना हो, उसमें हम डालेंगे बिस्किट के पीसेस। और शुरू से आखिरी तक हम लो फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। और देखिए मैं 5 से 6 पीसेस डाल दिया है, और इसे हम 3 से 4 मिनट तक ऐसे ही पकने देते हैं। तब तक ले क्या करेंगे, जो आधी पीसेस है उसमें हम सिंपल सा डिजाइन दे देते हैं। देखिए इस तरीके से चाकू की मदद से बस कट लगा देंगे, ये डिजाइन बन जाएगा। बहुत ही ईजी तरीका है, आप चाहे तो आप सिंपल भी फ्राई कर सकते हैं। और देखिए मैंने सारे इस तरीके से कट लगा लिया है, कितना सुंदर लग रहा है देखने में। और यहाँ पर देखिए एक तरफ हो गया है, अब हम पलट लेते हैं। और इसका कलर देख सकते हैं कितना बढ़िया आ रहा है बिस्किट के अंदर। और ये बिस्किट एक बार ट्राई जरूर से कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी है साथ में ये बिस्किट। यहाँ पर देखिए कलर कितना सुंदर आया है बिस्किट के अंदर। थोड़ा सा समय लगता है बिस्किट फ्राई करने में, लेकिन बहुत ही टेस्टी बिस्किट बनती है। यहाँ पर बिस्किट बहुत बढ़िया से फ्राई हो चुका है, अब हम निकाल लेते हैं। देख सकते हैं ये बिस्किट कहीं से भी कच्चा नहीं है, क्योंकि हमने लो फ्लेम पे फ्राई किया है, इसलिए अंदर और बाहर से बहुत बढ़िया से पक चुका है। इसका कलर और टेक्सचर देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है बिस्किट। अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं बिस्किट को, देख सकते हैं इसका लुक कितना सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स। और जो सेकेंड बैच है उसे भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। और ये बिस्किट बनाना बहुत आसान है, खाने में बहुत टेस्टी, और थोड़ा सा समय लगता है फ्राई करने में, क्योंकि हमें लो फ्लेम पे फ्राई करनी होती है। और बिस्किट बहुत बढ़िया बन के रेडी होता है, आप देख सकते हैं मैंने सेकेंड बैच भी डाल दिया है कढ़ाई के अंदर।
यहाँ पर देखिए मैंने सारे बिस्किट फ्राई कर लिया है, देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है देखने में। और जितना देखने में अच्छा लग रहा है उतना ही खाने में टेस्टी है, बहुत ही क्रिस्पी बिस्किट है, देख सकते हैं। आप चाहे तो बहुत सारा बिस्किट बना के स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने ट्रे के अंदर सर्व कर दिया है बिस्किट, देखने में कितना सुंदर लग रहा है, जितना देखने में अच्छा लग रहा है उतना ही खाने में ये टेस्टी है। देखिए एक तोड़ के मैं दिखा देती हूँ अंदर का टेक्सचर, बहुत ही खस्ता और बहुत ही क्रिस्पी बनी है ये बिस्किट। और ये रेसिपी बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत टेस्टी, जितना देखने में अच्छा लग रहा है उतना ही खाने में ये टेस्टी है, देख सकते हैं। और फ्रेंड्स ये रेसिपी आपको कैसी लगी, ज़रा सा अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो